राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। नहीं हारेंगे सरकार से हम काले कानून। काले कानून के विरोध किसानों ने नाराजगी जारी की। जनपद बिजनौर कृषि पर काले कानूनों के खिलाफ लगभग 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर किसानों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसी के चलते सिहारा थाना क्षेत्र के गांव मिठेपुर में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह टिकेत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। किसानों की आय दुगनी करने का झांसा देकर सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार किसानों के साथ साथ आम जनता को भी छल रही है और साथ साथ किसानों की फसलों के रेट बढ़ाने को तैयार नहीं है। डीजल, पेट्रोल, खाद, बिजली के दाम दुगने से भी ऊपर पहुंच गए हैं। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा। उन्होंने किसानों, मजदूरों और व्यापारियों से अपील की है कि वो अपने दुकानों को बंद रखकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दें, क्योंकि किसान बचेगा तो देश बचेगा। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में भी बचाने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ किसान ही है। कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसान क्यों परेशान है? अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती, नहीं सुनती तो आगे भी इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। जब तक सरकार कृषि के काले कानून रद्द नहीं करती है, MSP पर कानून नहीं बनाती है, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर शफीक अहमद, अनुज बालियान, गजराम सिंह, पोखर सिंह, अजीम खान, इस्लामुद्दीन, अशोक प्रजापति, रोहचास सैनी आदि मौजूद रहे। इमरान उस्मानी के साथ सिद्रा महक की रिपोर्ट। उन्होंने आह्वान किया है कि भाई सरकार का विरोध सड़क पर बैठकर करेंगे किसान, और ये हमारा आंदोलन धीरे धीरे आज पूरे देश में फैल गया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, तो जो वहाँ उन्होंने जाकर अपने भाषणबाजी करी, तो जो उनके समर्थक थे वो तो दिखा दिए फोटो, लेकिन जो हमारे वहाँ रहने वाले किसान हैं, किसानों के बच्चे हैं, उन्होंने जो विरोध कराते हुए हो गए, लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार केवल